बच्चों, आज हम जनसंचार माध्यम के अंतर्गत प्रिंट माध्यम के विषय में पढ़ेंगे। क्या है प्रिंट माध्यम? छपाई वाले संचार माध्यम को प्रिंट माध्यम कहते हैं। इसे मुद्रण माध्यम भी कहा जाता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि इसके प्रमुख रूप हैं। प्रिंट माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। मुद्रण का कार्य सर्वप्रथम चीन में शुरू हुआ था और आधुनिक छपाखाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। भारत में पहला छपाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। इसे ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए स्थापित किया था। मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं, गुण, छपे हुए शब्दों में स्थायित्व तो होता है। इन्हें सुविधा अनुसार किसी भी प्रकार से किसी भी समय पढ़ा जा सकता है। यह माध्यम लिखित भाषा का विस्तार करता है। यह माध्यम चिंतन, मनन, विचार विश्लेषण और उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसके कुछ दोष भी हैं। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं होते। ये तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। इसमें स्पेस, शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें एक बार समाचार छप जाने के बाद तुरंत अशुद्धि सुधार नहीं किया जा सकता। मुद्रित माध्यमों के लिए लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, भाषागत शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। समय, शब्द व स्थान की सीमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेखन में तारतम्यता एवं सहज प्रवाह होना चाहिए। अभ्यास प्रश्न जिन्हें आप लोगों को घर पर संपन्न करना है। जनसंचार के मुख्य माध्यम कौन कौन से हैं? मुद्रित माध्यम किसे कहते हैं? मुद्रित माध्यम कौन कौन से हैं? रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? मुद्रण का कार्य सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? आधुनिक छापाखाने का आविष्कार कब और किसने किया? मुद्रित माध्यम के गुण दोष लिखिए। अखबार के लिए लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? तो ये था आज का पाठ। आप इसको पढ़ें और अपनी कॉपी पे इस पर लिखें, साथ ही इन प्रश्नों को हल करें।